हरिओम। आप सभी साधक साधिका को मेरा प्रणाम, गुरुवर और माँ को मेरा नमन, आचार्य जी को मेरा प्रणाम। मैं हसमुख वाघेला मर्सी अरविंद फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम सभी एक अच्छे उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम है तत्वबोध। तत्वबोध का उद्देश्य क्या है? स्वयं का विकास कैसे करें? व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से स्वयं के ज्ञान के महत्व का प्रसार करना, इसके लिए हमने वेद हरि पाठ को चुना है। तो मैं आपको थोड़ी वेद हरि पाठ के बारे में जानकारी दे देता हूँ। वेद हरि पाठ शुक्ला वेद हरि पाठ नामक पुस्तक पर आधारित है। यह महर्षि प्रकाशन द्वारा एक प्रकाशन है और यह महर्षि अरविंद फाउंडेशन के दिव्य जीवन शिक्षा कार्यक्रम के तहत निर्मित है। यह पुस्तक मानवता की बेहतरी के इरादे से लिखी गई है और साधक आत्म साक्षात्कार की खोज में मदद करती है। यह हरि पाठ के से प्रेरित है, जो 13वीं शताब्दी के मराठी संत ज्ञानेश्वर के यह 27 अभंगों यानी संगीत कविताओं का संग्रह है। ये 27 अभंग भगवान के नामों के जप के मूल्य की बार बार प्रशंसा करता है, प्राप्त होने वाले अनगिनत लाभों का वर्णन करते हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन जीने के सही तरीके से कहीं अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस दिव्यता की आनंदमय उपस्थिति में डूबा हुआ जीवन हरि विठल पांडुरंग और हमें और हमारे अपने स्वरूप यह वेद हरि पाठ सुख प्राप्त करने और सभी दुखों को दूर भगाने का अचूक सूत्र है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अद्वितीय मार्ग भी प्रशस्त करता है। यह आध्यात्मिकता के शांति से भरे शांत रास्ते के लिए एक मार्गदर्शक है। तो आइए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए, आज के आचार्य जी है श्रीमान महेश गाड़ेकर जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि आकर प्रार्थना के साथ इस सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद। हरिओम सभी को। हरिओम, प्रार्थना करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति 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 ही। आज का जो अभंग है, अभंग दूसरा, चहुवेदी जान साई शास्त्री कारण अठराई पुराने हरिषि गाती मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता वाया व्यर्थ कथा सांडी मारू एक हरि आत्मा जीव शिव समा वाया तू दुर्गमा न घाली मना ज्ञानदेव पाठ हरिहा वैकुंठ भरला घनदाट हरि दिशे। हम अभी एक हरि आत्मा जीव शिव समा वाया तू दुर्गमा न घाली मना, यहां से हम शुरुआत करेंगे। पहले के जो दो अध्याय है वो हो चुके हैं, हम शुरुआत करेंगे एक हरि आत्मा जीव शिव समा। हरि यानी के जो हरण करने वाला, दुख हरण करने वाला, जीव शिव समा, जीव और शिव एक ही है। कब एक है? जब दोनों एक हो जाते हैं तब वो हमें एक दिखाई देते हैं, जीव और शिव। जीव शिव की तरफ जब अपना एक प्रयास प्रभाव चालू करता है वहां तक, तो उधर जाने का जो चेतना का विकास है, जब अपने जीव या चेतना का विकास करता है वो धीरे धीरे वो अब शिव की तरफ अपना जाने का प्रयास एक जारी रखता है,
एक हरी आत्मा जीव सम जीव शिव समा वाया तू दुर्गमा न घाली मन। जब जीव और शिव एक ही है सब मन जानने के बाद मन जो है वो संकल्प विकल्प मन में क्यों आते हैं, उसका क्या कारण है और आगे कहा है नामदेव मावली ने, ज्ञान देवा पाठ हरिहा वैकुंठ भरला घनदाट हरि दिशे। ये जो है जो लाइन है ज्ञान देव पाठ हरिहा वैकुंठ, जो मन की स्थिति के बारे में उसमें बताया गया है, और भरला घनदाट हरि दिशे, ये घनदाट हरि दिशे ये इसका अर्थ क्या होता है ये हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ज्ञानेश्वर मावले ने जो आगे की पेजेस है जो अनुभव अनुभूति के बाद हमें ज्ञान होता है उसके बारे में बताया है कि भरला घर घनदाट घनदाट हरि दिशे, वो घनदाट हरि कैसा होता है किस तरह से होता है ये हमें अनुभूति के बाद पता चलता है। लेकिन प्रश्न ये है कि हमें अनुभूति कब आएंगी, हम इस मार्ग पे कैसे प्रयास करेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे, ये हमें थोड़ा देखेंगे। सभी के मन में प्रश्न है कि हम साधना तो करते हैं, नामस्मरण भी करते हैं, रोज पूजा पाठ प्रार्थना सब करते हैं, लेकिन हमारी जो एक उन्नति है हमें जो एक अनुभूति आनी चाहिए वो क्यों नहीं आती, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसका कारण क्या है वो हमें खोजना पड़ेगा, उसका मूल क्या है वो हमें खोजना पड़ेगा। हम सभी चीजों को जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में हमें पता नहीं होता। दूसरे लोग कहते हैं ये ऐसा है तो ठीक है ऐसा होगा, लेकिन हमें उसे हमारे अनुभव के आधार पर जब हमें उसकी प्रचिति आती है तो हम कह सकते हैं कि यह सही है। तो प्रश्न यह है कि हम सब कुछ पूजा पाठ प्रार्थना नामस्मरण करते हैं लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं होता, और यहाँ जो नानदेव ज्ञानदेवा पाठ हरिहा वैकुंठ भरला घनदाट हरि दिशे ये लाइन में इन्होंने उनका संबोधन किस अर्थ से किया है वो हम अभी देखने का एक प्रयास करेंगे। जब हरि हमें सभी जगह दिखाई देता है, अभी ये पढ़ने के लिए तो ठीक है लेकिन अनुभूति के लिए हमें वो मार्ग पर चलना पड़ेगा, चलने के बाद हमें जो ज्ञान होगा वो अनुभूति से हम वो उसकी प्रचिति कर सकते हैं कि ये किस अर्थ में लिखा गया है। हम सब कुछ करने के बाद भी हमें सत्य पता होता है लेकिन उसका आचरण नहीं करते। आचरण नहीं करने से क्या होता है, मन अशांत होता है। हमें पता है कि सत्य बोलना चाहिए, हमें पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, निंदा चुगली ये नहीं करना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, नशे युक्त पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सब हम पता होता है पर फिर भी हम ये क्यों करते हैं। जब तक हम वो नियमों का पालन नहीं करेंगे, वो उसका आचरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर जो एक मन के अंदर जो स्थिरता है, मन के अंदर जो सात्विकता है वो कैसे आएंगी। वो आने के बाद, मन के अंदर जो सात्विकता आने के बाद जब मन स्थिर हो जाएगा तब हम इस चीजों को समझ पाएंगे इसमें इसका अर्थ क्या होता है, वो अनुभूति जो आएगी उससे हम सिद्ध हो जाएगा कि ये इसमें क्या लिखा है और आपकी अनुभूति
उसे एक प्रमाण प्रमाण की कोई शास्त्र प्रमाण, गुरु प्रणाम और आपके अनुभव, ये तीनों से एक जो अर्थ है वो एक उसका स्पष्टीकरण आपको हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि उपवास करते हैं, जो जैसे कि अमावस्या पूर्णिमा कोई भी एक त्योहार होता है उसका उपवास करते हैं। लेकिन उपवास हमारा किस तरह से होता है, सुबह से लेकर शाम तक दो जो दिनचर्या होती है उपवास के दिन की, वो हम सुबह की शुरुआत जो होती है जो उसड़ बोलते ना, जैसे हम उपवास का कुछ खाते हैं उससे हमारी शुरुआत होती है। दोपहर को भी हम वही खाते हैं, शाम को भी हमारा कुछ तो भी चलते ही रहता है। आज की उपवास है, उपवास जिस दिन है तो उपवास के लिए जो भी पदार्थ चलते हैं खाने पीने के वो हम सब यूज कर लेते हैं क्योंकि आज उपवास है। छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में नहीं आता कि उपवास किस लिए होता है, लेकिन जो उपवास का जो साबूदाना खिचड़ी और कुछ जो होते चीजें बने हुए वो उनके लिए उपवास करते हैं। कि शास्त्रों में कहा गया है कि उपवास करने से उसके फायदे क्या होते हैं और हम उपवास किस तरह से करते हैं, एक हमारे जीवन में जो आचरण है वो एक महत्वपूर्ण है। हम जो भी चीज करते हैं तो करते हैं, लेकिन किस तरह से करते हैं, कैसी करनी चाहिए वो एक महत्वपूर्ण है। हम जो उपवास करते हैं उसी दिन हमें आचरण कैसा होना चाहिए, शुद्ध आचरण जो उपवास का है उस दिन नामस्मरण करना चाहिए, ये सब कुछ चीजें हमें उस तरह से करना चाहिए कि जिससे हमारा हमारा मन जो है वो प्रसन्न हो और मन में एक स्थिरता आती है सब कुछ होने के बाद। और हमें पता है कि सत्य क्या है, तो भी हम क्या करते हैं कि झूठ का सहारा लेते हैं। दिन की शुरुआत कभी हम 24 घंटे में एक बार तो कभी बोली जाते हैं, तो ये सब करने से हमारी जो उन्नति है, जो चेतना का विकास हम बातें करते हैं, चेतना का विकास हमें करना है, चेतना का विकास हमें वहां से जीव से हमें शिव तक पहुंचाता है। पर ये कैसे होगा, जैसे कि अभी हमने हम सभी ने देखा है कि जो मार्केट में जो मिलता है आम्ल पदार्थ यानी कि नशे नशे के लिए पदार्थ मिलता है उसमें लिखा होता है कि ये खाने से कैंसर होता है, तो भी उसका सेवन करते हैं और हम कितना भी प्रार्थना पूजा पाठ ध्यान साधना ये करने के बाद अगर ये जो है ये हम नहीं छोड़ते और हम उसके अधीन जाते हैं, असत्य का सहारा लेते हैं और जो आचरण है वो सत्य का आचरण नहीं करते, तो क्या लगता है कि आपको हमारा चेतना का विकास हो पाएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें पता है कि इस सभी से हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये सब कुछ जानने के बाद भी हम उसी रास्ते जाते हैं और आध्यात्म जो साधना है पूजा पाठ है वो तो एक नित्य हम करते ही रहते हैं, लेकिन इस सब का आचरण ना करने से उसका हमें जो एक बेनिफिट जो है उसका जो फायदा है जो अनुभूति है वो हमें हम उनसे वंचित रहते हैं। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी दिनचर्या है उसको हमें पहले ठीक करना है। तो सभी कहते हैं दिनचर्या ठीक करनी है, लेकिन उस जब हम प्रयास करते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है, लेकिन प्रयास कैसे करनी है, हमें छोटे छोटे चीजों से प्रयास करना है। हम अगर एक दिन के लिए भी किसी को कोई मद्यपान करने की आदत है और हमने किसी ने कह दिया मैं एक दिन के लिए ये सब चीजें छोड़ रहा हूं एक दिन के लिए, तो उसके अंदर एक
एक दिन अगर उसका वो एक पालन करता है तो उसके अंदर एक उस चीज के प्रति वो जो उसकी आदत है उसके प्रति लड़ने की उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है। वो उस दिन उसको वो एक पॉजिटिवनेस महसूस करता है कि मैंने एक दिन नहीं खाया है, मुझे मैं तो दिन रात उसके अधीन रहता था, अब लेकिन मैं एक दिन उससे दूर रहा, मैंने वो चीज़ नहीं खाई, तो उसे एक अंदर ही अंदर एक पॉजिटिवनेस आता है और उसका आत्मशक्ति जो हम एक संकल्प शक्ति बोलते हैं वो अपने आप बढ़ने लगती है और ये हमें एक सकारात्मक नकारात्मक से सकारात्मक की ओर हमें लेके जाती है। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी चीजें करनी चाहिए। जब हमें कोई आदत होती है तो हम कह सकते हैं 8 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए मैं ये जो है आदत उसको छोड़ दूंगा, मैं सत्य बोलूंगा और मैं सुबह रोज 5 बजे उठूंगा 2 दिन में। तो जब आप ऐसे चीजें छोटी छोटी चीजें करने लगते हैं तब हमारे अंदर एक सकारात्मकता बढ़ने लगती है और हमारे अंदर एक परिवर्तन आना शुरू होता है। परिवर्तन आना शुरू होता है, जो परिवर्तन होता है वो धीरे धीरे होता है। हमें लगता है कि भाई हमने जो पूजा पाठ एक स्तोत्र कोई भी साधना की तो उसका बेनिफिट हमें जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। जब हम उस वो जो चीजें है सभी जैसे कि पंचशील जो है, सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, नशा और अमली पदार्थ का सेवन नहीं करना है, ये सब चीजों के जब आचरण में हम लाते हैं तब सब चीजें संभव है और उसका हमें अनुभूति तब हमें अनुभूति आती है और हम उस मार्ग पे हमें एक हमारा रास्ता खुल जाता है और हमें एक वो चीजों का ज्ञान होता है। जो हमें एक आनंद मिलता है वो कैसे मिलता है कि छोटी छोटी चीजों से मिलता है। जैसे हमने कहा है कि हमें सुबह उठना है, सुबह हमें जागने के बाद 4 बजे 5 बजे 2 दिन या 8 दिन ये प्रयोग करने के बाद हमें एक अंदर एक आत्मविश्वास जगता है कि मैं जब पहले तो मैं 8 या 9 बजे सुबह उठता था लेकिन अभी मैं 5 बजे जगा हूँ और उसके वजह से उनके अंदर एक आत्मविश्वास आता है कि नहीं मुझे अभी कुछ करना है, अभी सत्य के मार्ग पर चलना है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये छोटी छोटी चीजें हम एक दो दिन के लिए करेंगे तो हमें वो करने की जो क्षमता है हमारे अंदर अपने आप आत्मविश्वास आ जाता है, एक संकल्प शक्ति आ जाती है और उसके माध्यम से हम सहजता से वो मार्ग पे चल सकते हैं। और यहाँ पे जो कहा है कि ज्ञान देव पाठ हरिहा वैकुंठ, अभी वैकुंठ हम किसे कह सकते हैं? वैकुंठ यानी कि वो मन की स्थिति को कहा गया है, निर्विचार स्थिति जहाँ शब्द नहीं है, वो स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया गया है। पर वो स्थिति हमें कब आएंगी? हम तो सोते हुए भी जागते हुए तो सोचती है कि सोते हुए भी सोचते रहते हैं, तो हम बात कर रहे हैं वैकुंठ स्थिति, वैकुंठ जहाँ शब्द खुंडित हो जाते हैं, जहाँ शब्द ही नहीं होते, वहाँ विचार ही नहीं होते, हम वो स्थिति की बात कर रहे हैं। लेकिन तो हमारे लिए क्या है ये संभव है? बात तो हम वैकुंठ की कर रहे हैं लेकिन पर हमें वो स्थिति कब प्राप्त होंगी? हमने तो पढ़ लिया, जानने की कोशिश भी की, कोशिश करने के बाद भी हमें वो स्थिति कब प्राप्त होगी, हम वो रास्ते पे कैसे जाए, ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं कि हमें अभी क्या करना है। सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में, वेदों में परमात्मा का वर्णन किया गया है,
आत्म तत्व का वर्णन किया गया है, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचना है, हमें क्या करना है, ये प्रश्न अभी तक सभी के मन में आते रहा है। और आने के बाद उसका जो समाधान है वो होना जरूरी है, और समाधान अगर नहीं हुआ तो हम वहीं पे रुके रहेंगे और हम चेतना की जो विकास की बात हम करते हैं वो वहीं पे हम रुके रहेंगे। और साधना चाहे कितनी भी करेंगे, पाठ, नामस्मरण, अगर हम अगर गलत आदतें नहीं छोड़ते, गलत चीजों को नहीं छोड़ते, तो हमारा चेतना का विकास नहीं हो पाएगा, हमें उस रास्ते पे बहुत सारे दिक्कतें आएंगी। इसलिए हमें ये सब चीजों को छोड़ के हुए सत्य और आचरण, सत्य का आचरण करते हुए हमारे मन में एक स्थिरता, हमारे मन स्थिर कैसा हो, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। मन जो है स्थिर क्यों नहीं होता है, हम मन को कैसे स्थिर करेंगे, एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम हमारे जीवन में मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, मन स्थिर नहीं हो पाता, क्यों कि हम डायरेक्ट मन को पकड़ते हैं, कि मन को सजेशन देते कि तू ऐसा कर, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, लेकिन मन वो सब चीजें नहीं समझ पाता, वो नहीं कर पाता, हम डायरेक्ट मन को पकड़ते हैं। लेकिन मन को समझाने के लिए हमें अलग रास्ते से वहां तक पहुंचना होगा। मन के साथ साथ हमारा शरीर भी है, मन शरीर बुद्धि वहां भी रहती है, और दोनों के बीच में एक मन है। और जो मन को सबसे ज्यादा हमारा शरीर और बुद्धि जानती है, जो पड़ोसी होते हैं वो सबसे ज्यादा हमें जानते हैं, और वही हमको उनको सब पता होता है कि वो कैसे उसको समझाना है, क्या करना है। तो इसके लिए एक भूत शुद्धि क्रिया जो माध्यम दिया गया है, एक भूत शुद्धि क्रिया से जो पंचतत्व का बैलेंस होता है शरीर, और उसके द्वारा एक मन और बुद्धि और मन का जो एक संवाद है, उसके द्वारा ही हम मन को एक समझ सकते हैं। मन और एक बुद्धि का संवाद होता है कि वो दोनों आपस में बातें करते हैं, हम अगर उसको एक ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा अगर उसको सजगता से देखेंगे, दोनों भी बातें करती है मन और बुद्धि। तो हम एक उदाहरण के द्वारा देखेंगे कि मन और बुद्धि बातें कैसे करती है। मन को कोई चीज अच्छी लगती है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बुद्धि उसको सजेस्ट करती है, नहीं ये खाने से आपको शुगर है और आप मीठा खा रहे, मन तो गया है मीठे की तरफ खाने के लिए, और बुद्धि कहती है मत खाओ प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों का समाज चल रहा है मन ही मन, लेकिन उन दोनों को समझना, वो हम कितने सजग है वो दोनों के बीच में, और कौन हारता है कौन जीतता है वो तो मन की स्थिति के ऊपर और उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बुद्धि कहती है मन को कि खाने से प्रॉब्लम हो जाएगा, शरीर भी बातें करता है कि वो मुझे चोट लगी है पैर को, अगर आप कुछ मीठा खा लेंगे तो मुझे शुगर हो जाएगा और मेरा जो प्रॉब्लम है और बढ़ जाएगा। बुद्धि भी यही कहती है कि ये तीनों के संवाद से एक निष्कर्ष निकलता है कि वो जो मीठी चीजें वो नहीं खानी चाहिए, वो तीनों का संवाद चलता है, लेकिन हम जब सजग रहे तो वो सब कुछ चीजें अब होती है, और हमें लगता है हमें जब हम निष्कर्ष निकलता है तो हम उसमें से एक
जिसका से पता चलता है कि मन जो है आखिरी मान जाता है कि ये बराबर है, कि शरीर अगर हम कुछ मीठा खा लेंगे तो शुगर है, शुगर बढ़ने से पैर में जो कुछ जख्म घाव लगा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और शरीर को प्रॉब्लम हो जाएगा। शरीर अगर प्रॉब्लम हो गया, शरीर में अगर कुछ दर्द हो गया तो उसका डायरेक्ट जो है परिणाम मन के ऊपर हो जाएगा और मन और शरीर के ऊपर बुद्धि के ऊपर हो जाएगा, तीनों ही अपने आप बीमार हो जाएंगे। तो वो सब चीजें एक संवाद है। तो मन को एक समझाने का एक तरीका है, एक पद्धति है जो भूत शुद्धि क्रिया के माध्यम से स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाने का एक मार्ग है। जैसे जैसे हमारा एक भूत शुद्धि क्रिया से शरीर, पंच तत्व, मन, बुद्धि अपने आप स्थिर होती जाती है, तो ये मार्ग से हम जब जाएंगे तो हमें वो सब चीजों को जो जिसका त्याग करना चाहिए वो सब चीजें अपने आप छूटने का एक हमारे अंदर संकल्प शक्ति, छोड़ने की जो संकल्प शक्ति है अपने आप निर्माण होती जाएगी। तो उसके माध्यम से हम वो सब चीजों को एक अनुभूति कर सकते हैं। तो उसी तरह हमें एक मन को भी समझाना है। और मन जो है, जब मन के अंदर स्थिरता आती है, मन जब शांत हो जाता है और तब हमें वो चीजों की अनुभूति आती है जो शास्त्र में लिखा है, वो समझ में आता है कि ये चीज क्या है। भरला घनदाट हृदय से, वो शब्द का ये लाइन का जो अर्थ आता है वो अगर हम देखेंगे, जब हमारा मन शांत हो जाता है, हम अंतर्मुख जब हो जाते हैं तब हमें प्रचिति होती है कि हम सभी, कहते हैं कि भगवान सभी जगह पे है, हरि सभी जगह पे है, तो हमें हम सब चीजों में उसको देखने लगते हैं। जब हम सब चीजों को उसमें देखते हैं तो हमें एक प्रतीत होता है कि भगवान सभी जगह है। हम अगर कुछ गलत काम करेंगे तो हमें देखेगा, तो वो भी एक हमारे मन में एक सकारात्मकता एक विचार आ जाता है कि हम गलत काम करेंगे तो हमें कोई देख रहा है। इसी तरह से जब हमारा मन शांत होता है तब हमें कुछ चीजों की अनुभूति आती है। जब हम कोई एक नामस्मरण या कोई मंत्र जाप वो करते हैं कंटिन्यू, जब हम वैखरी वाणी से करते हैं उसको, मंत्र का जोर जोर से आवाज करके या मन ही मन करते हैं, करने के बाद हमारा जो शरीर है, जो सेल्स है, वो भी मंत्र जाप करते हैं। एक कहानी में, यानी कि तुकाराम महाराज जब कोई काम करते थे तब भी उनके एक शरीर के अंदर से आवाज आती थी, विठ्ठल 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 विठ्ठल। जब लाखों करोड़ों सेल्स वही जब करते हैं सभी जगह भगवान को देखते हैं, सभी जगह हरि को देखते हैं, तो तब हम कह सकते कि ऐसी कोई दुनिया में जगह नहीं है कि जहां हरि नहीं है। वो घनदाट का अर्थ यहाँ पे दिया गया है कि जहां कोई भी जगह नहीं है, खाली कोई जगह नहीं है, सब जगह हरि हरि है, सभी जगह परमात्मा है, सभी जगह ऐसी कोई जगह नहीं। इसके लिए कहते हैं कि घनदाट हरिदि से, जो सभी जगह परमात्मा को देखता है उसे सभी जगह हरि दिखाई देता है। पर वो स्थिति हमें कब आती है, हमें तो ऐसा कभी होता नहीं है, सभी जगह तो हमें परमात्मा दिखता नहीं है, सभी जगह हर परमात्मा दिखता है तो क्या हो जाता था,
सभी जगह हमें परमात्मा दिखते दिखता तो हमारे चेतना का जो विकास है वो सम्भव हो पाता था। सभी जगह जब हरि हमें दिखता है, सभी हम चीजों में परमात्मा, वो परमात्मा का एक अंश वहां पे है ऐसा हम समझते हैं, तो ये हमारे अंदर एक आमूलाग्र परिवर्तन माना जाता है। इसीलिए यहाँ पे ज्ञानदेव माउली ने जो वेदहरि पाठ में कहा है वो एक महत्वपूर्ण है। वहां पे कहा गया है कि जीव और शिव दोनों एक ही है, पर कैसे वहां तक हम कैसे पहुंचे? हम कभी मंदिर में गए हो तो हमें वहां पे दिखता है जो नंदी होता है और जो कछुआ होता है और शिव शिव की जो एक पिंड होती है वो आगे होती है, तो उसका ही प्रतीक माना जाता है। जब जीव धीरे धीरे जो कछुए का जो एक चलने का एक गति है वो शिव की तरफ वो जाते हैं और वो स्थिति को सभी जीव प्राप्त होते हैं, तो इसका एक प्रतीक उसमें माना गया है। हमें जीव हम किसे कहते हैं कि जो जीव बहिर्मुख जो है, जो संसार में लिप्त है, जिनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, जो अभी अंतर्मुख का उनको अंतर्मुख कैसे होना उनको पता ही नहीं है, हम उसे एक जीव कह सकते हैं। और जो उनसे ऊपर वो रास्ते से निकल चुके हैं वो एक जीव और शिव की तरफ जाने का रास्ता है, वो धीरे 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 उस तरफ अपनी चेतना का विकास करते जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न आता है कि यहाँ पे सब मन का वर्णन किया गया है, मन की स्थिति का वर्णन किया गया है और मन के ऊपर हमारे जो परिणाम होते हैं गलत चीजों का, उसमें एक गलत समय भोजन का भी आता है। हम जब भोजन करते हैं गलत समय, मसाले युक्त भोजन होता है, ज्यादा तेल का भोजन होता है, वो भी हमारे मन के ऊपर एक प्रभाव करता है। और मन जो है एक सात्विकता की तरफ उसे जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जब हम ज्यादा श्रृंगार करते हैं, एक सुगंधित द्रव्य जो है हम लगाते हैं, हम ये हमारे जो दिनचर्या में जो आदत है, यानी कि टीवी देखना, मोबाइल पे ज्यादा हम वीडियो देखना, सीरियल, ये सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन हम ये शुरुआत अगर एक दिन के लिए भी करते हैं कि मैं आज टीवी नहीं देखूंगा एक दिन के लिए, तो हमें हमारे अंदर एक संकल्प शक्ति आ जाती है कि हमें आज मैंने टीवी नहीं देखा। हम मोबाइल के नजदीक ज्यादा रहते हैं, अगर हम मोबाइल अगर हम दो दिन नहीं देखते हैं, एक दिन नहीं देखते हैं, तो हमें एक संकल्प शक्ति हमारे मन में आ जाती है और वो शक्ति हमें धीरे 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 सत्य की ओर ले जाती है और हमारे अंदर एक सकारात्मकता निर्माण होती है, तब जाके हमें जब हमारा मन स्थिर होता है तब हमें ये सब चीजों की अनुभूति होती है। अभी हम यहाँ पे क्लास को विराम देंगे। हरिम सर। हाँ हरिओम। हाँ क्लास को विराम दीजिए। उसको विराम दे। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी समय पर लोग उपस्थित रहे और आप सभी ने अपना समय दिया
उस बदल आप सभी का धन्यवाद। और आपसे एक सूचना भी थी कि हमारा जो एक चौथे वीक में यानी कि चौथे संडे जो कार्यक्रम होता है बिग जीडी यानी गुरुदेव द्वारा लिया जाता है जो भी प्रश्न, तो अभी आपने जो भी यहाँ पे इस सत्र में सुना है उसका आप एक क्वेश्चन जो भी रहेगा वो क्वेश्चन आप एक तैयार कीजिएगा, जो भी आपको इसमें प्रश्न पूछना है तो आप एक प्रश्न बनाइए और उस प्रश्न की अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। और अगर आपको कुछ दिक्कत भी आती है तो यहाँ पे हमारे एक कैप्टन के रूप में जो दीपक सेठिया को यहाँ पे एक किया गया है तो उनका संपर्क करें और उनसे चर्चा भी करें कि आपको सवाल अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप ग्रुप पे भी डालिए आपके सवाल, तो वो सर आपका सवाल जो भी रहेगा उसको एक सवाल बराबर व्यवस्थित बना के उसकी हम लोग नेक्स्ट सत्र में चर्चा कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि प्रश्न जरूर बनाइएगा जो भी आपने इस सत्र में ये किया है और पहले का भी कुछ जो भी आपका सवाल रहा है जो आया नहीं है, काफी लोगों ने सवाल बनाए थे तो वो सवाल भी आप डाल सकते हो, तो हम इस इसमें नेक्स्ट सत्र में हम फिर बाद में उससे चर्चा करेंगे। और जितनी चर्चा हमारी ज्यादा होगी उतना ही हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो हमारा अनुभव जो हमें जवाब जो मिलेगा और उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप इस चीज को जारी रखें और ये जो बिग जीडी जो शुरू हुआ है तो उसके लिए हमें बहुत लाभदायक होगा और हमें यही ज्ञान अगर यहाँ से ही अभी हम ज्ञान इकट्ठा करते रहेंगे तो हमें ये ब्रह्म साक्षात्कार के लिए हमें बहुत इजी जाएगा, यानी हमें थोड़ा सरलता जाएगी हमें वहाँ पे समझने के लिए और उसको सीखने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सत्र को लिए और इस सत्र में जो भी ज्ञान दिया उस बदल उनका धन्यवाद। और इसी के साथ हम यहाँ पे इस सत्र को पूर्ण विराम करेंगे। मैं आचार्य जी से बात करूँगा कि प्रार्थना के साथ इस सत्र को विराम करें। धन्यवाद। प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। धन्यवाद धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। हरिओम हरिओम सर। हरिओम।